तो पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? ये आंट भगता है पादुकोण, पागल हो गई है। लेंसेस वगैरह उससे पहले शूट हुई है ताकि उसके कलर्स लग भी रहे। वैसे तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे के सारे बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो आप एनवायरनमेंट देख रहे होंगे, खेत खलियान वगैरह और कोहरा वगैरह भी है ना, तो ऐसा कुछ माहौल है आज का। सो आज का जो अपना व्लॉग होने वाला है, मतलब बेसिकली जो पूरा वीडियो होने वाला है, वो किस चीज़ के ऊपर है ना, पठान के ऊपर होने वाला है। पठान जो मूवी जस्ट रिसेंटली आई है ना, मैं जा रहा हूँ, 8:45 का मेरा शो है। पता नहीं अब इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्स्ट डे में तो करेंगे, फर्स्ट शो में कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि फ्राइडे तो रात को 12 बजे लग जाता है, रात को 12 बजे मूवी लगती है कि लगती, मुझे आइडिया नहीं है, पर सही लगती तो होगी यार। तो आज अपन पठान क्यों देखने जा रहे हैं, उसके 2-3 कारण है। सबसे पहली बात, एसआर के बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहा है और काफ़ी तगड़ा कम बैक कर रहा है, क्योंकि उसका जो ट्रेलर है इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, इतना सही ट्रेलर लग रहा है कि यार हाँ काम किया। उसकी बॉडीज मोड बॉडी वगैरह देख के और जो उसके एक्शन सीन्स वगैरह, तो वो लग रहा है कि यार वो वर्थ इट है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। सेकंड थिंग इज दैट कि जो मूवी है, मूवी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो रही थी। पिछवाड़े में नहीं हो गूदा तो बीच में काहे? पठान अफगानिस्तान के आतंकी है, यहाँ पे कोई पठान नहीं रहता। दीपिका पादुकोण पागल हो गई है, पहले तो तू कपड़े पहनती उस रंग के, उसके बाद उस रंग को बेशरम रंग बोल गई तुम्हारी मूवी, और वो हकला जस्ट बिकॉज ऑफ रंग के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी होगा मूवी के अंदर, बट तो जाके पता चलेगा, तो अपन जब ही अपने ओपिनियन दे पाएंगे। तो बॉलीवुड की मूवी थी तो इसको तो बॉयकॉट होना ही था, और बॉयकॉट ही पहले से ही होती हुई चली रही थी, काफी टाइम से हो रही थी, बट इतना पीक नहीं पकड़ा था। पीक अब उसने कब पकड़ा, क्योंकि जैसे वो गाना वगैरह आ गया तो एक वैलिड पॉइंट मिल गया इन लोगों को, कि जो लोग बॉयकॉट करते ही हैं हमेशा। तो आई वॉज लाइक कि वही कि मुझे नहीं पसंद एसआर के, बट हाँ मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो बंदे में पोटेंशियल है, वो बंदा फालतू कंट्रोवर्शियल में नहीं फंसता है। वो जो बंदा है वो एक अपना लेवल अलग ही मेंटेन करके रखता है। उसकी तो वाइफ है हिंदू है, वो खुद मुस्लिम है, और वो एक उसका वीडियो हमेशा लगा दूंगा कि हम लोग हिंदू हम और हमारा जो बच्चे हैं वो शायद हिंदुस्तान है, इस टाइप का कोई उसका। जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की, मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। क्या बात, और क्या जेन्युइन बात है। तो अभी जो हॉलीवुड में जो मूवी बहुत तगड़ी चल रही होगी ना, किसी की विलियम स्मिथ की जो भी मूवी अगर है आने वाली है, अगर वो यहाँ ला दो बॉलीवुड का थप्पा लगा दो, तो यहाँ के लोग अभी भी सुन उसको बॉयकॉट कर देंगे, लिख कर दे रहा, पर मूवी चलेगी क्योंकि मूवी एकदम है। लोग जो थिएटर जाता है वो इतना मैच्योर इनफ होता है कि उसको जज करने का एक वो होता है कि भाई मेरे को मूवी देखनी है, मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इस जो मूवी का जो बजट है वो 250 करोड़ रुपीज़ है, 250 करोड़ रुपये का बजट है भाई। हाँ बजट नहीं, खतरनाक बजट है इसका। और अभी जिस रात को मैं कुछ पढ़ रहा था, तो मेरे एग्जाम भी वैसे तो AGF का रिकॉर्ड है, कुछ 5 लाख टिकट प्री बुकिंग में, और इसके पठान के ऑलरेडी 4.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो नहीं मैंने चेक किया, बट शायद मेरे ख्याल से KGF का भी तोड़ दिया होगा, और ऑल टाइम तो वही है अपनी, कौन सी जो अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर वो साउथ की कोई मूवी है। सिद्धार्थ आनंद वगैरह इन लोगों ने इसको डायरेक्ट किया है, जो कि हालांकि डायरेक्टर भी ठीक ठाक ही, इतने बुरे नहीं है। सो गाइस, फटाफट से निकलते हैं मूवी के लिए, और ये रही अपनी कुछ एथर। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैपिटल मॉल आ चुका हूँ, सामने रहा कैपिटल मॉल, टाइम भी अप्रॉक्स हो गया है। सो फटाफट से अंदर चलते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कैसा कैसे। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं, इंटर कर रहे हैं।
सो गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने अभी इंटरवल की आया था अभी, तो मूवी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जो एंड मोमेंट पे एकदम से ना पाजी को ऐसा पलट देना, तो वो चीज़ हुई है। मूवी लिटरली अच्छी लगी, और ये पहली मूवी इंडिया में जो आईनेक्स जो कैमरा जो लेंसेज वगैरह उससे पहले शूट हुई है, ताकि उसके कलर्स लग भी रहे हैं वैसे हॉलीवुड लाइक। और सेकेंड थिंग इज दैट कि इसका 250 करोड़ का बजट है, तो लग रही है मूवी की 250 करोड़ की है। और मुझे ऐसा कुछ सीन नहीं लगा कि बहुत ऑफेंसिव है चीज़ें, या फिर इतना बायकॉट वगैरह क्यों हो रहा था, आई डोंट नो भाई। इस मूवी में कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, मतलब फर्स्ट हाफ में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं से कहीं तक बायकॉट होना चाहिए। ओवरऑल मस्ट वॉच मूवी है अभी तक तो मुझे जहाँ तक समझ आया। बाकी का जो एक्सपीरियंस मैं आपको आके शेयर करता हूँ, तो चलिए सीधे चलते अब थिएटर में। अग्रवाल साहब, कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेके? बहुत आराम कर लिया मैं। कोई पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट लग रहा है, नहीं पढ़ा। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने अभी देखा, जस्ट हमने अभी मूवी खत्म करके आए, हम लोग पहले उठ गए थे क्योंकि एंडिंग हमको पता ही थी, एंडिंग ऑलमोस्ट हो गई थी। तो अभी मेरा पेपर है, फटाफट से मैं पेपर देता हूँ। मेरी वॉच रखी हुई है, बताओ अभी हमारा 1.5 घंटा है, तो फटाफट पढ़ेंगे और पेपर देंगे, और पेपर देने के बाद मैं आपको पूरा ये वीडियो एंड करूँगा, अपना रिव्यूज़ दूंगा। आपने अभी देखा कि हम लोग ने मूवी वगैरह देख लिया, वहाँ से बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमारा पेपर वगैरह था, कोई पेपर ही देने जा रहे हैं फटाफट से, और फिर आपको मैं सीधा मिलता हूँ पेपर देने के बाद। अपने कॉलेज आ चुके हैं, अपने एग्जाम है, वो अपने बैठे हैं। सजल भाई, सजल भाई कैसे हो? तो फटाफट से एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो जस्ट अभी मैंने पेपर अपना ख़त्म किया है, और अब कैंटीन वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, और आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ क्या कंटिन्यू करूँ, क्योंकि तो व्यूअर्स क्या हुआ कि बेसिकली हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद शूट नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे हमारा, हमें एक शादी में जाना था, और शादी से भी हम काफ़ी लेट आए थे, तो शूट नहीं कर पाए। और नेक्स्ट डे जब 26 जनवरी थी, पापा ने हमें काफ़ी ज़्यादा काम बता दिए। कि मैं जो अपने ओपिनियन की बात कर रहा था, वो ओपिनियन उसने ध्रुव राठी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक वीडियो है उसका जो सभी आया है बाइकआउट को लेकर, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूँगा उसका, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।